हाँ जी शाहजी बैक दे तो लो। और आज उस दिन का जो इंतज़ार था वो आ गया है। आज मेरी कन्वोकेशन है और आज मैं जा रहा हूँ अपनी कन्वोकेशन पे। देख सकते हैं कि आज मैंने अपना प्राइमार्क से कुछ कपड़े लिए थे, गाउन लिया था। तब आपका भाई जा रहा है यूनिवर्सिटी, आज आपके भाई की यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी में आपके भाई की आज कन्वोकेशन है, जिसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा पैसे भरे और बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो मैंने जाना था, लाजमी ज़रूरी भी था, क्योंकि इसी के लिए ही एक्चुअली जो आज का दिन है इसके लिए माँ बाप को बहुत हसरत होती है आज का दिन देखने की कि मेरा बच्चा, स्पेशली जब आप पाकिस्तान में ग्रेजुएट हों तब और खुशी होती है, लेकिन जब आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आप अपना मुल्क छोड़ के आते हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ लंदन में, और जैसा आप सब जानते हैं, लेकिन मेरी जो ग्रेजुएशन, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन सेरेमनी है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच में है। तो मैं जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर, जो जो मेरे साथ वहाँ पे होंगे मैं ज़रूर आपको उनके साथ मिलवाऊंगा। मेरे सारे दोस्त आज ठीक 4 महीने बाद दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं। तो सी यू देयर। आज आपके भाई ने फुली पप्पू तरीके से अपने गाउन वगैरह ख़रीदे हैं, लेकिन भाई के साथ हाथ हो गया, यूनिवर्सिटी वालों ने कहा अपना गाउन लेना, मतलब आपने यूनिवर्सिटी से लेना, तो अब आपका भाई जाएगा वहाँ पर। मुझे लगता है मैंने कॉल की थी, उन्होंने मुझे कहा जी आप आ सकते हैं, हमारे पास स्पेयर भी पड़े होते हैं। तो बस दुआ करिएगा भाई के लिए, आपके भाई को एक्स्ट्रा गाउन मिल जाए, नहीं तो अपना गाउन तो मैं लेके आया हूँ, ठीक है, मैंने प्राइमार्क से लिया था। और आज मेरी कन्वोकेशन है, जिसका मैंने पिछले 1.5 साल से इंतज़ार किया है, और ये दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है, मेरी फैमिली के लिए बहुत स्पेशल है, और वो लोग जिनके लिए मैं स्पेशल हूँ ये दिन बहुत स्पेशल है, और ऑब्वियसली आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है कि आज आपके भाई की कन्वोकेशन है यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच में, द गुड यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने बगैर किसी डिले के आपके भाई ने डिग्री कम्प्लीट की थी, और सब दोस्त फिर अलग हो गए थे। आज दोबारा हमें दोस्तों को मिलने का टाइम आया है, मतलब सब अपनी अपनी जॉब्स पे बिज़ी हो गए थे जैसी डिग्री कंप्लीट हुई थी, और आज हम सब दोस्तों ने दोबारा मिलना है। और बाकी हमने अपने दूसरे दोस्तों को भी इनवाइट किया, क्योंकि यहाँ पे जाने के लिए हमें एक्स्ट्रा टिकट लेनी पड़ती है अगर आपके साथ कोई गेस्ट है। तो कहा है मैंने दोस्त को इंशाल्लाह, मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो आ जाएगा। बाकी जैसे जैसे कन्वोकेशन पर जो जो कुछ होगा मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। इसके बाद मैं खड़ा हुआ स्टेशन के ऊपर, इंशाल्लाह आपका भाई जब वहाँ पे पहुँचेगा तो आपका भाई आपको दिखाएगा कि आज का दिन आपके भाई का कैसा गुजरेगा। जी फाइनली आपका भाई यूनिवर्सिटी में पहुँच गया था, और आपके भाई ने गाउन ले लिया, साथ में करामत है, आई एम करामत, ठीक है। और ये गाउन मिल गया हमें, 60 पाउंड लगे हैं, टीका लग गया है हैवी वाला। तो अब हम जा रहे हैं अपने टिकट लेने, जो हमारे साथ लोग आए हुए हैं, ज़रा अपनी टिकट ले लें। जी ये टिकट भी मिल गया हमें, करामत का भी मिल गया, वो हमारा तीसरा पार्टनर आ चुका है, इसने हमें बताना नहीं था लेकिन ये फिर भी आ गया है, ठीक है, आज अच्छा लग रहा है ये। अच्छा ये चलते हैं, हाँ गाउन यहाँ से लेना। तो इन्होंने पहले बुक करवाया था, मैंने अभी बुक करवाया था, गाउन लिया मैंने, लेकिन बाहर आ जाओ उधर से ले लो। सामने वो ग्रेजुएशन जिनकी हो गई है, उनकी सेरेमनी चल रही है, ठीक है, उनकी पिक्चर चली, इसी तरह हमारी भी पिक्चर होगी। अल्लाह करे कैमरा ख़राब हो जाए ना। आज हमें बताएंगे करामत साहब, हमारा ये सब हमारा क्या प्लान था, अगर हमारी डिग्री ना होती तो हमने क्या करना था? हमारा ये प्लान था कि वी विल सुसाइड टुगेदर इन द थेम्स। हमने बहुत टफ टाइम देखा, और जिसके अंदर बहुत औखे वेला करके जो है ना हमने अपनी डिग्री अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किया। ये भी नहीं औखा वेला, मैं खाने के फाके पड़ गए थे, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हमने बहुत स्ट्रगल भी किया। करामत साहब स्ट्रगल तो किया हमने, स्ट्रगल तो हम अभी भी कर रहे हैं, लेकिन कहने का और बताने का मकसद ये है कि लाइफ यहाँ पे बहुत टफ टाइम था, लाइफ ने बहुत टफ टाइम दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी डिग्री सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। We have to sit according to the seat number, or should we stay set with the... No, you must stay behind your number, otherwise the names will go wrong. Oh, okay. Please be seated. Distinguished guests, the Pro Vice Chancellor of the Faculty of Engineering and Science, University of Greenwich, Professor Peter Griffiths. Graduands, families, friends, guests, faculty colleagues, it's truly an honour to be with you here today.
And as we gather in this magnificent chapel to celebrate the remarkable achievements of our soon-to-be graduates, I, as the Pro Vice Chancellor of Engineering and Science, stand before you filled with immense joy and pride. Before I proceed further, though, let us take a moment to recognise the extraordinary efforts and accomplishments of our graduates. They have shown unwavering dedication and hard work to reach this significant milestone in their lives. Let's give them a huge round of applause. Now, this is a relatively small group ceremony, so I think you're all going to have to try just a little bit harder to make the same amount of noise. Come on, huge round of applause. So this chapel is a truly special place in which to host today's sermon. It reminds us of the university's 130-year history as a seat of learning, something in which we take enormous pride. This heritage is one of high standards of teaching and research, and the reason why thousands of students across the world come to study with us. And it's a legacy we enrich every year. The president of Greenwich Students Union for this academic year, and I'm very lucky to represent the interests of students here. Now, as you stand with your loved ones, preparing to embark on the next step of your journey, I would like to share a few thoughts with you all. What you have achieved over your years here at Greenwich and the accomplishments that you walk away with are a testament to your hard work and dedication. You have overcome assessments, late nights in the library, complicated and sometimes far too long lectures to be here. And after all, you've grown as individuals. Remember, across these years, the friendships that you have created, the lecturers and the staff that have guided you, and the loved ones, your family, who have supported you. Let's give a big cheer to everyone. Habib Jalal. और अब हमारी होगी कन्वोकेशन ख़त्म और हमारे पास अभी हमारा गाउन मौजूद है। हमने सोचा था हम अपने दोस्त को कहेंगे कि यार ये गाउन ये हमेशा ऐसे ही रहा, ये हमजा आपको तो ये पुराने ब्लॉग्स में नज़र आता रहा होगा, ठीक है। और एक हामत हो बाबा अपनी जान है ना, ठीक है। हमने सोचा था कि यार ये ना हम टोपियाँ यूँ फेंकेंगे, लेकिन इस बगैरत ने क्या किया, इस बगैरत ने सारी हमारी उम्मीदों पर पानी फेर के और इसने टोपी जो है अपनी वहाँ पे जमा करवा दी। मुझे बताया जाए कि आपके क्या दरपेश आपको दर्द पेश आई जो आपने वहाँ पे जमा करवा दिया जाके। आपको नहीं पता था आपके वो दोस्त जो आपके साथ इधर 2.5-1.5 साल आपके लिए आपको कभी पानी ला के पिला रहे हैं, कभी खाना खिला रहे हैं कि यार भाई ये कर ले, भाई वो कर ले, पढ़ ले, ठीक है। इसके बाद ही बता रहे हैं, ठीक है। हम सब दोस्तों की बात कर रहे हैं, इसमें करामत भी शामिल है। आप गाउन क्यों दे के आए वापस? फैमिली है साथ भाई, फैमिली ने कहा घर जाना है। नहीं तो यार मेरी भाई मेरी बात सुन, तेरी टोपी जेन में नहीं रहा, तेरी टोपी जेन में नहीं रहा। नहीं यार ये तो जुल्म है ना, अब ये कह रहा जेन में रहना। तो चलें ठीक है, आज की सेरेमनी बहुत अच्छी रही। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आपने ज़रूर याद रखना कि आप जो मोटिव लेके आए हैं आपका तभी पूरा होगा अगर आप दिन रात मेहनत करेंगे। नहीं करेंगे तो आप जो है किसी भी टाइम पे यूनिवर्सिटी छोड़ के भाग सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।